तो वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में कई दिनों से फरार चल रहे भोजपुरी सिंगर समर सिंह को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आकांक्षा के केस में समर सिंह का नाम बार बार सामने आ रहा था। बीती रात गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया। आकांक्षा की मां ने अपनी बेटी की मौत को सुसाइड नहीं मर्डर बताया है और इसके लिए उन्होंने समर को ही जिम्मेदार ठहराया है। समर सिंह एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई तेजी से कर रही है। आकांक्षा की मां ने समर पर उनकी बेटी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। 26 मार्च को वाराणसी के एक होटल में आकांक्षा दुबे को मृत पाया गया था। उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आकांक्षा भोजपुरी सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी। और इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। प्रवीण, जिस तरह से लगातार 11 दिन आज हो गए आकांक्षा दुबे की सुसाइड को, आत्महत्या को, और उसके बाद समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी पूनम, देखिए बता दूं आपको, देर रात जिस तरह से जो समर जिस तरह से फरार चल रहा था, हालांकि जो नंदग्राम थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी लगती है जहां पर जो राजनगर एक्सटेंशन में है, वहां से रात तकरीबन 1 बजे जो है वाराणसी पुलिस पहुंचती है, उसके बाद वहां पर उसकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं नंदग्राम थाना लाया जाता है। फिलहाल समर को उसका मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद से कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट के बाद उसको सीधे वाराणसी ले जाया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं समय पूनम, जो सीजीएम कोर्ट है उसने लगभग 24 घंटे की समर की जो कस्टडी में, मतलब उसको रिमांड के लिए भेजा गया। वाराणसी पुलिस जो किसी भी वक्त उसको लेकर जो रोड के जरिए लगभग 13 घंटे का सफर होने वाला है उसको लेकर वहां पहुंचेगी, उसके बाद रिमांड लिया जाएगा। बाकी की जो भी चीजें हैं उन पर भी वो पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से आकांक्षा दुबे की मां ने कई तरह के आरोप समर पर लगाए, उनका कहना है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था आकांक्षा दुबे को, और साथ ही साथ आकांक्षा दुबे की कलाई पर भी निशान पाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनकी मां की तरफ से जो मधु दुबे हैं उनकी तरफ से लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि मेरी बेटी जो है वो इस तरह ये बड़ा कदम नहीं उठा सकती। कहीं ना कहीं जो समर है, समर सिंह और जो संजय यानी संजय सिंह जिसका दूसरे आरोपी का भी नाम आ रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार टीमें गठित की गई है, लगातार उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो माँ है वो आश्वस्त नहीं थी कि मेरी बेटी इस तरह का कोई कदम उठाएगी, लेकिन उसको लेकर एक जो पेट फंसा हुआ था, पुलिस उस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है आकांक्षा दुबे की, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक भूरा केमिकल पाया गया है, जिसकी वजह से उसमें जो पेट में जो चीज निकली है केमिकल, उसको देखा गया है कि आखिर कोई केमिकल है जो उसको खिलाया गया था, उसके बाद ही उसमें वो नशीला पदार्थ होता है, उसके बाद वो जिस तरह से उसका शव मिला उस होटल के अंदर में, वो सब बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अब जो है पुलिस जो है इसे रिमांड पर लेकर इसे पूछताछ करेगी, आगे की जो भी पहलू है वो समझ में आएंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, कहा यह भी जा रहा था आकांक्षा दुबे की मां की ओर से कि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी जो मृतका की मां है खासतौर पर, उन्होंने ये भी बोला कि योगी आदित्यनाथ ने जो जिस तरह से उनकी पुलिस ने गिरफ्तारी करी है इस व्यक्ति की, इसको फांसी की सजा हो और साथ ही साथ इसकी फांसी की सजा हो, साथ ही साथ जो संजय यानी जो फरार चल रहा है उसकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करके दोनों आरोपियों को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए।